हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम्स जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में यूज की जाती हैं। बेसिकली तीन टाइप की थ्योरम होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी थ्योरम एडिशन, ठीक है। सेकंड होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और थर्ड होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। और इनको प्रूव करना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर फिजिक्स के बाकी डेरिवेशन से इसका कंपेयर करें तो उनका मैथमेटिकल जो प्रूफ होता है वो बाकी डेरिवेशन से कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो बारी बारी करके एक थ्योरम से यहाँ पे देख लेते हैं, उनको प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी थ्योरम है एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है थ्योरम इन एडिशन, मतलब तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे एडिशन की टर्म्स में होगा, ठीक है। अब हम किसका एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मान चलते कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल क्या होंगे, उन सबका अपना अपना क्या होगा, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा नहीं कि जो बॉडी है सिर्फ उसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो क्या होता है, हर पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो बॉडी है उसका टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा। मान लीजिए यहाँ पे एम वन पार्टिकल है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, आई वन। यहाँ पे एम टू पार्टिकल है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख सकते हैं, आई टू। ऐसे आई थ्री अप टू डेट सी, हम तक चले जाएंगे एन पार्टिकल्स तक, ठीक है। तो जो फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा आई, वो किसकी टर्म्स में होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, टेल ये चलते ही जाएंगे, ठीक है, जितने भी उसमें पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो जो आई रहेगा वो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखने आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड, वो उसी एक्सिस के अराउंड हर पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है। और बेसिकली इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है, अगर मान जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी में से हम इतना पार्ट इसका कट कर दें, ठीक है, तो जो इसका बाकी बचा हुआ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, जो इतनी यहाँ पे रिमेनिंग जो बॉडी है यहाँ पे, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो मान के चलते यहाँ पे इसको नाम दे देते आई डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो इतना हमने जो यहाँ पार्ट कट किया है इसको, वो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई, यहाँ पे डबल डैश है। तो इसका जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा रिमेनिंग बॉडी का, वो निकल के आएगा आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस आई डबल डैश, ठीक है। जितना भी पार्ट हम बॉडी में कट कर देते हैं, ऑब्वियसली उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, उतना कट हो जाता है, उतना क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या है, फर्स्ट थ्योरम जो की है थ्योरम इन एडिशन, ठीक है। हम चलते हैं सेकंड थ्योरम की ओर जो कि है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो इसके बाद आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट होता है बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है, बहुत ही लंबा होता है, तो डायरेक्टली इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम फॉर्मूले की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी है, हमने टर्म्स लिखी है, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं वो टर्म्स क्या होती है। यहाँ पे एक बॉडी मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई बॉडी है जो इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हमें जिसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इसी एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है, इसको हम बोल देते हैं ए बी एक्सिस, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो हमें एक यहाँ पे देखना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से हमें एक एक्सिस को यहाँ पे पास करना है, ठीक है, और हमें ध्यान कर रखना है जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है वो ए बी एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। ये मान चलते कोई एक्सिस यहाँ पे सीडी, सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये क्या है, ए बी एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इन दोनों बीच में क्या होगी, एक डिस्टेंस होगी, उसे हम नाम दे देते क्या, ए, ठीक है। तो ये बताइए हमारा डायग्राम, इस पूरी बॉडी का मास क्या है, एम है। तो देखो यही से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो आई क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, जो कि ए बी एक्सिस है। आई सी एम क्या है, हमारा वो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो लेकिन किस एक्सिस के अराउंड है, जो कि सेंटर मास से पास करती है, ठीक है। एम क्या है, पूरी बॉडी का मास है। ए क्या है, हमारा दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम यहां से स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू डेथ एक्सिस, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ द एक्सिस, ठीक है, मतलब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अराउंड वो समीशन रहेगा, किसका समीशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक एक्सिस के अराउंड जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के जो कि मास और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या इसका स्टेटमेंट है, इसे प्रूव करना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास क्या है एम, इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है एक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द इस पार्टिकल का एवी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो जो एवी एक्सिस के अराउंड सॉरी अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के वो क्या रहेगा हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एम आर का स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मास क्या है एम, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें इस एवी एक्सिस के एवी एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ए प्लस एक्स, क्योंकि यहां पे दो दो डिस्टेंस क्या हो रही है एड हो रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस रहेगी क्या रहेगी ए प्लस एक्स, ठीक है। डिस्टेंस क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये निकला हमारा क्या इस पार्टिकल का जो कि छोटा सा पार्टिकल है उस पार्टिकल का एवी एक्सिस के अराउंड हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हमें जो पूरी बॉडी है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसी एक्सिस के अराउंड एवी एक्सिस के अराउंड, तो हम क्या करेंगे जो इस पार्टिकल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है तो इसको हम वेरिएबल मान के क्या कर देंगे समीशन कर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एवी एक्सिस, ठीक है। तो एवी एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हमने आई माना, तो आई क्या हो जाएगा इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का समीशन हो जाएगा, ठीक है, सब पार्टिकल के लिए, ये क्या हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यहां पे तो ये समीशन हो जाएगा एम ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं ये समीशन, ठीक है, यहां पे आइडेंटिटी पुट कर देते हैं और साथ में इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो एम इसका देखो यहां पे क्या होगा इसका यहां पे लिख लेते हैं ए प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, हमें इस क्वांटिटी में एम का मल्टीप्लाई भी करते चल रहा है, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम क्या एम ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन एम एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एम टू ए एक्स, ठीक है, सॉरी यहां पे हाँ, तो यहां पे देखो अब देखो जो यहां पे ए है वो क्या है दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं रहेगी, ये टाइम के साथ चेंज भी नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट हम क्या कर देते आगे कर देते यहां पे ए स्क्वायर समेशन यहां पर क्या बचेगा एम, एम क्या है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल क्यों हुई है क्योंकि ये पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल के क्या होंगे अलग अलग मासेस होंगे, तो यहाँ पे उनके कर दिए इसको अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल के रूप में रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस समीशन एम एक्स का स्क्वायर, देखो यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कोई बाहर नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे देखो टू ए है जो की कॉन्स्टेंट रहेगा, टू तो वैसे भी कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, और ए भी हमारा क्या था हमने यहाँ पे देखा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे टू ए समीशन एम इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या निकला अभी आई के इक्वल निकला। अब देखो यहां पे क्या है समीशन एम एक्स का स्क्वायर, अगर इससे कंपेयर करें तो ये क्या बनेगा एक मूवमेंट ऑफ एनर्जी बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, तो देखो यहां पे एक्स क्या है इस वाली जो सेंटर मास से पास करती है एक्सिस उसके अराउंड इस पार्टिकल मूवमेंट ऑफ एनर्जिया है, ठीक है, ये एक्स एम वेरिएबल है, अगर यहां पर समीशन लगा है तो इसका मतलब क्या है ये पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ एनर्जिया रहेगा किस एक्सिस के अराउंड, यहां पे सी डी एक्सिस के अराउंड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहां पर लिख देते हैं सिंस समीशन एम एक्स का स्क्वायर, ये क्या हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के राउंड है जो कि सेंटर मास से पास करती है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले थे आई सी एम, यहां पे सी एम लिख देते हैं क्योंकि ये एक्सिस क्या है सेंटर मास से पास हो रही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आई सी एम, ठीक है, और यहां पर देखो एम इंटू एक्स लिखा है, ठीक है, एक्स क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने क्या देखा था जब भी किसी भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है उसका मूवमेंट बन जाता है, ठीक है, जैसे फोर्स होता है
फोर्स हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। टॉर्क क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। मतलब किसी भी क्वांटिटी में उसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एम एक्स का मल्टीप्लाई किसमें है, एम में, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मूवमेंट ऑफ मास बन जाएगा। या फिर इसको मूवमेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जी को कॉन्स्टेंट लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मूवमेंट ऑफ वेट। अब देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में पढ़ा था कि जो वेक्टर सम होता है किसी भी पार्टिकल का टॉर्क का, वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर इस पॉइंट पे देखो, सेंटर ऑफ मास पे पूरी बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो अगर इस पे हम ऐसा फोर्स लगाए, इस साइड से कोई फोर्स लगे इस पे, ठीक है, तो दोनों साइड के फोर्स क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। उनका वेक्टर सम क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, पूरे वेक्टर का समेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो समेशन एम एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, मूवमेंट ऑफ वेट। अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सेस पास करती है तो उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ वेट का जो सॉरी यहाँ मूवमेंट ऑफ वेट रहेगा वो क्या रहेगा, उसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या है, दो वो बैलेंस है। तो इसको हम क्या करते हैं, जीरो यहाँ पे लिख देते, समेशन एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इतनी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो हमारा जो फाइनल आंसर वो निकल के आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी ये भूल गया मैं, तो यहाँ पे देखो समेशन एम है। समेशन एम मतलब जो पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल के मासेस का समेशन। इसमें समेशन करेंगे पूरे पार्टिकल की मासेस का, तो जो मास निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, हमारा पूरे बॉडी का मास। ठीक है, समेशन एम क्या होता है, हमारा कैपिटल एम, क्योंकि ये थर्ड पार्टिकल के मास का, ऑब्वियसली हम यहाँ पे समेशन करेंगे तो पूरे बॉडी का मास यहाँ पे निकल के जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे एम, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू निकालने का थी आईसीएम प्लस 2a into इसकी वैल्यू क्या है, हमारी जीरो है। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो i इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पहला रेक्सिस थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, बहुत इजी थ्योरम है। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ से स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, इसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की थ्योरम देखते हैं, जो कि हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आइए तो हम थर्ड यहाँ पे जो थ्योरम है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली वर्ड का यूज किया गया है वो है लेमिना। तो लेमिना क्या होता है, तो देखो लेमिना होता है जो मैंने अभी यहाँ तक पकड़ा हुआ है, ये एक सीट टाइप में होता है, एक मास होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये जो हम सीट दिख रहे हैं वो कितने डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें बेसिकली टू डायमेंशन में, क्योंकि ये क्या है, एक सीट, एक प्लेन है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड डायमेंशन है, वो थर्ड डायमेंशन तो है लेकिन वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन। ठीक है, लेकिन इसमें बस क्या है, मास है। तो ऐसी जो फिजिकल बॉडी जिसके पास क्या हो, मास, थर्ड डायमेंशन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल हो, वो टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लेमिना। यहाँ पे हमने लिखा है ये लेमिना। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड यहाँ पे थ्योरम है वो बेसिकली हमें ऐसी मास की बॉडी के बारे में बताती है जो कि टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बेसिकली उसका थर्ड डायमेंशन क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस। मतलब देखो, अगर यहां से कोई एक प्लेन लेमिना है तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस किसी भी एक्सिस की जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर, जैसे ये हमारा प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, ये वाली एक्सिस जो इसके ऐसे पास हो रही होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन के अराउंड। ठीक है, तो उस एक्सिस के अराउंड इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, समेशन के इक्वल होगा। किस किस समेशन के इक्वल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। मतलब जो इसके खुद के प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, उन एक्सिस के अराउंड इस पूरी मास का जो मूवमेंट डिफरेंशियल रहेगा उसके समेशन के इक्वल रहेगा। तो देखो बेसिकली वो कह रहा है, यहाँ पे तीन यहाँ पे एक्सिस है। ठीक है, एक एक्सिस हमने क्या है, एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके अराउंड हमें मूवमेंट डिफरेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, बाकी दो एक्सिस क्या होंगी, जो कि इसके प्लेन में होंगी। ठीक है, मान चलते ये इसका प्लेन है, देखो एक एक्सिस ऐसी होगी और एक एक्सिस ऐसी होगी, क्योंकि क्या होंगे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, हालांकि हम ऐसी भी एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्सिस ऐसी हो जाए और एक एक्सिस ऐसी हो जाए, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है।
तो इन परपेंडिकुलर एक्सिस के समीशन के इक्वल होगा, जो कि इस एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे एक्सिस जो पास कर रही है उसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते कोई भी एक, यहाँ पे टू डायमेंशनल की बॉडी, ये है हमारी टू डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, एक एक्सिस है यहाँ पे जो कि क्या है इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अराउंड हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अभी इसको नाम भी दे देते हैं, इसको जेड एक्सिस रहेगी अलग ये। ठीक है, यहाँ पे हम क्या होगा, जो इस एक्सिस अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा वो समीशन रहेगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो कि इसके प्लेन में होके जाती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऐसी एक्सिस यहाँ पे पास करती है, ऐसी एक्सिस पास करती है। ठीक है, इसको थर्ड डायमेंशन में ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि ये क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे। ठीक है, तो ये मान लेते एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई है और ये क्या हमारी जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो एक्स एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लेमिना का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी बोला है लेकिन बॉडी क्या है हमारी लेमिना है। लेमिना तो आप जानते हैं क्या होती है, हमारा टू डायमेंशनल एक मास होता है। ठीक है, तो इसके अराउंड देखो जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, पी, उसका मास कितना है यहाँ पे एम है। ठीक है, अब देखो जो एम रहेगा उसकी अगर एक्सिस डिस्टेंस देखें तो क्या होगी, एक्सिस डिस्टेंस की ये कुछ वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सिस डिस्टेंस क्या हो जाएगी वाई, अगर हम वाई एक्सिस की डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगी यहाँ पे ये वाई एक्सिस एक्सिस के अराउंड यहाँ पे बढ़ेगी आगे। ठीक है, ये हो जाएगी एक्स। तो वैसे ही हमें देखो अगर एम पार्टिकल का जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इस एक्सिस से एम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते थे, ये इसकी क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे नहीं बन के यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर चीज यहाँ पे क्या हो रही, परपेंडिकुलर हो रही, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हालांकि यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक ट्राइंगल में हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं, तो आर स्क्वायर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई। अब हम क्या निकालते हैं जेड एक्सिस के अराउंड इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई जेड यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो क्या निकलेगा हमारा इस पार्टिकल का, हम पहले पार्टिकल का निकालते हैं फिर पूरी बॉडी का निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा इस पार्टिकल का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हमारी आर है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मिल गया पार्टिकल को, सॉरी यहाँ पे आई जेड ना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आई रहेगा सिंपली। ठीक है, आई मान लेते हैं, ये क्या है सिर्फ एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब निकालते हैं जेड एक्सिस के अराउंड इस पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसे हम बोल देते आई जेड। आई जेड क्या हो जाएगा, इस जो पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है ऐसे सब पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा समीशन। तो इसके अंदर हम क्या लगा देते समीशन, क्योंकि यहाँ पे एम भी वेरिएबल रहेगा और आर भी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, समीशन एम आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम क्या यहाँ पे हेल्प लेते हैं, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं समीशन एम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एम वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो समीशन एम एक्स स्क्वायर बन रहा है देखो यहाँ पे पार्टिकल का मास और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारी एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे ये पार्टिकल की वाई एक्स से डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ये बनेगा आई वाई, मतलब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पे समीशन लगा है तो क्या हो जाएगा पूरे बॉडी का पूरे लेमिना का यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आई वाई, वैसे सिमिलरली ये क्या बन जाएगा हमारा आई एक्स, ये बहुत ही सिंपली थे ना, इसके इक्वल में क्या है हमारा आई जेड, ये क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही इजी थ्योरम्स हैं। ठीक है, एक बार हमें स्टेटमेंट इसका याद हो जाता है इस, और बेसिकली इसका ये स्टेटमेंट याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम जो हम यहाँ पे वो बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं इसके इक्वेशन को सॉरी स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है तीनों एक्सिस, तीनों हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज की जाने वाली थ्योरम्स है।